स्टूडेंट्स, क्लास 10th आरबीएससी समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और आरबीएससी की बुक राजस्थान बोर्ड की बुक यूनिट 6.1 के 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन की वापस से चर्चा करेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा टाइप यानी और अलग सवाल किस प्रकार से हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर इसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं, कोस है, साइन है, और साथ में इनके जो एंगल्स हैं उनको ध्यान से देखें एक बार कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास में टेबल के अंदर अवेलेबल होती है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, तो यहां से चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड को शो करने के साथ ही जैसा हमें पता है कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि हम कौन सी वैल्यू को हटा रहे हैं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हटा रहे हैं और उसकी जगह कौन सी वैल्यू रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें टेबल आना कंपलसरी है। अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बनाने का पूरा तरीका बता रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कोस 30 डिग्री से। कोस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल के अंदर रूट 3/2 होती है, कॉमा। फिर बात करते हैं साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है। फिर बात करते हैं कोस 60 डिग्री की। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 30 डिग्री की, तो फिर से चेक करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। इस तरह से हमने क्या किया, इंडिकेशन कर दिया कि हम कौन सी टर्म को हटाएंगे और उसकी जगह कौन सी वैल्यू को रखेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं, तो सबसे पहला काम करूंगा मैं टर्म्स को रिमूव करूंगा और उसकी जगह वैल्यू को रखता जाऊंगा। तो सबसे पहले कोस 30 की बात करें, कोस 30 डिग्री को रिमूव किया, उसकी जगह रख दिया रूट 3/2, ठीक है। प्लस साइन 60 की बात करें, साइन 60 के प्लेस पर रख दिया रूट 3/2 अपॉन 1, ऐसा कैसा आ गया, प्लस कोस 60 की, कोस 60 होता है 1/2, फिर अगेन प्लस साइन 30 की, साइन 30 की होता है 1/2। यहां हमने क्या किया, हमने केवल टर्म्स को रिमूव किया है और उनकी जगह उनकी वैल्यूज को रखा है। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने चलें, तो सबसे पहले देखो ये एक भिन्न संख्या का फॉर्मेट हो गया, इसमें अंश ऊपर है, हर नीचे है, लेकिन अंश में भी जो डिजिट जुड़ रही है वो भी भिन्न संख्या के रूप में है, हर में भी जो डिजिट जुड़ रही है वो भी भिन्न संख्या के रूप में है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो मैं ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों का हर जो है वो 2 है, और किसी भी भिन्न संख्या को जोड़ना या घटाना हो तो उनके हरों को समान करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर दोनों का ही हर 2 है, तो हमने 2 ही लिया, इनका एलसीएम 2 ही आएगा, और हर समान है तो ऊपर भी कोई बदलाव नहीं है। अपॉन इसके नीचे आ जाओ, इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। अब ये तीनों भिन्न संख्या के फॉर्मेट में आ गए, अब मैं इनका एलसीएम लेने जाऊं तो 1, 2 एंड 2 का एलसीएम हो गया 2। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, यानी इस 1 को, इस नीचे जो ये 1/1 है इसका हर 1 है, 1 को हमने 2 बनाया है यानी दुगना किया है, तो ऊपर अंश को भी मुझे क्या करना है, दुगना करना है। प्लस इसके आगे 2 का 2 ही है तो वो 1 × 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार बड़ा हुआ है, एक बार भी नहीं बड़ा। प्लस फिर आगे 1 × 1 ही हो जाएगा, चेक कर दो इसका आगे 2 ही है, तो 2 का भाग 2 में गया और 1 बार और 1 से गुणा करके। अब चेक करते हैं इसके आगे, सबसे पहले √3 एंड √3 को ऐड करेंगे तो 2√3, हालांकि इसकी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है इसलिए इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, बाय 2। और उसके आगे बात करेंगे 2 × 1, ये हो गया 2 प्लस 1 × 1 1 प्लस फिर 1 और फिर बाय 2।
ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे सबसे पहले तो हमारे पास में 2√3 बाय 2 अपॉन 1, यहां पर ऐड चेक कर लो, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4 बाय 2। अब भिन्न संख्या के बटा में भिन्न संख्या नहीं चलती तो क्या करेंगे, बीजगुणा करेंगे, तो ये हो गया 2√3/2 इंटू नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट देंगे वो हो जाएगा 2/4 और डिवाइड की जगह क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहां से चेक करते हैं, 2 से तो मैं 2 कट कर देता हूं, अगेन 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो अब मेरे पास में बच रहा है √3 और बाय में बच रहा है √3/2। तो अब यहां से आप चेक कर लो, यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड। तो हमने कहां से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, कहां पर फिनिश किया राइट हैंड साइड पे, तो ये सवाल हमने प्रूव कर दिया। और एटलीस्ट फाइनल आंसर में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूव हो गया, तो प्रूव होने के लिए आप हैंस प्रूव लिख सकते हैं, थिस इज़म लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सिद्ध कीजिए 4 cos² 45° - 3 square 60° - sin² 30° आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड दिया हुआ है -1/4। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लेके आना है। इसमें अनुपात में सिद्ध कीजिए वाले सभी सवालों को इसी तरह से किया जाता है, एक साइड को सॉल्व किया जाता है और दूसरी साइड को लेकर आया जाता है। अब मैं राइट हैंड साइड को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर है, तो मैं वैल्यूज कहाँ से ला सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से लेके आऊंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही इस सवाल को शुरू करूंगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 4 cos² 45° - sec² 60° - sin² 30°, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल को पढ़ते और लिखते वक्त हमें पता चल गया कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जिन एंगल्स के साथ हमें दे रखी है उनके साथ में इनकी वैल्यू हमारे पास इजीली टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले इंडिकेट करते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू को डाया, तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है cos 45°। अब cos 45° की वैल्यू कितनी होती है, तो चेक कीजिए 1 होती है। उसके बाद दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है sec 60°, sec 60° की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 होती है। तो देना चेक करो cos की कितनी होती है, 1/2 होती है, उसको उल्टा कर दो कितनी हो गई sec की 2 हो गई। साइन 30 की बात करूं तो साइन 30° की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहां पर हमने इसे इंडिकेट कर दिया, क्लियर है। अब चेक करते हैं, हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को रिमूव करते हैं और उनके वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 4 तो ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। अब कोट की बात करूं तो कोट की वैल्यू है 1 45° के साथ में। अब यहां कोट स्क्वायर 45° है, हम कोट 45 की वैल्यू 1 ला रहे हैं, तो वैल्यू पर भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। कहां से आया वो क्वेश्चन का पड़ गया। माइनस sec की वैल्यू जो होती है sec 60° की, उसकी 2 होती है, यहां पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी स्क्वायर आ गया। फिर माइनस अगेन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और चूंकि वहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहां से आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बॉडमास रूल को यूज करूंगा, उसके लिए मुझे ब्रैकेट ओपन करने पड़ेगी, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इनका स्क्वायर करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो 4 × 1 = 1 - 2 = 4, अगेन माइनस 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4, 1/2 = 1 और 2/4, ठीक है। अब उसके बाद में अगेन बॉडमास रूल की हेल्प से ही सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो डिवाइड यहाँ हो नहीं रहा प्रॉपरली, कोई एग्जैक्ट डिवाइड हो नहीं रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे मल्टीप्लाई में चलेंगे। तो जिन दो डिजिट्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन है सबसे पहले वो होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 × 1 ये कितना हो जाएगा 4, फिर अगेन माइनस का 4, फिर अगेन माइनस का 1/4, ठीक है। अब यहां से चेक करो ये 4 किसका है पॉजिटिव, ये 4 किसका है नेगेटिव, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया -1/4, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने कहां से शुरू किया लेफ्ट हैंड साइड से, कहां पर फिनिश कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रॉपर आंसर, और इसके नीचे लिख दिया हैंस प्रूफ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उसके लिए आपको अगर कुछ राइट डाउन करना है तो पहले राइट डाउन करिए। नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वही सिद्ध कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए। 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये जो इससे पहले जो आपने सवाल किए थे उसमें आपने अगर नोट किया हो तो राइट हैंड साइड में आपको बकायदा न्यूमेरिकल नंबर या उसकी वैल्यू को दिया गया है। यहाँ पर क्या किया है, दोनों ही पक्षों पर उसने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को डाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों ही साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की चर्चा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें आप इसने आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड 4 साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त या क्वेश्चन को लिखते वक्त ही हमें पता लग जाता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू टेबल में अवेलेबल है। 30, 60, 60, 45 इन सब की क्या होती है, देखते हैं 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 कोस 60 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री, ये हमारे पास में टेबल पर अवेलेबल है। देखो टेबल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज अवेलेबल होती है। तो हम यहाँ पर पहले तो इसको इंडिकेट करते हैं कि हम कौन सी वैल्यू को हटा रहे हैं, यानी कौन सी टर्म को हटा रहे हैं और कौन सी वैल्यू को रख रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री, अब आप अगर टेबल में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/2। उसी तरह साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगली टर्म की बात करूं, अगली टर्म दे रखी है उसने cos 60, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसी तरह tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बताइए यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब इसके आगे चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को रिमूव करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की जगह क्या लेकर आते हैं उनकी वैल्यूज को। कैसे लेकर आएंगे, 4 ऐसा कैसा आ गया, साइन 30 की जगह 1/2, फिर साइन 60 की जगह √3/2 और चेक करो साइन 60 पर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। प्लस 3 ऐसा कैसा आ गया, कोस 60 की जगह 1/2, अगेन टेन 45 की जगह 1, तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इवन हम किसी भी सीक्वेंस या सीरीज को सॉल्व करने जाते हैं तो हम बॉडमास रूल को अप्लाई करते हैं और बॉडमास रूल भूलना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा मेरा ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर स्क्वायर है वहां पर स्क्वायर, जहां पर स्क्वायर नहीं है वहां पर उससे रिलेटेड मार्क को रखना पड़ेगा। तो यहां से चेक करते हैं 4 × आ गया, क्योंकि ब्रैकेट और 4 के बीच में कोई मार्क नहीं है, यानी मल्टीप्लाई मार्क है 1/2 इंटू आ गया, अगेन इन दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन भी कोई मार्क नहीं है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहां तक क्लियर हो गए। प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/1। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमारा पहला काम होता है इन्हें डिवाइडेशन देखना। तो डिवाइड क्या क्या कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 4a, 4 से 4 कट हो जाएगा, उस वाले पार्ट में कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लाई बचता है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो अब हमारे पास में यहाँ क्या बचा हुआ है, जैसे मैंने 4 को कट किया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 1 × 1 × 3 वो कितना हो जाएगा 3/2 × 1 वो कितना हो गया 2। प्लस उसके आगे चलते हैं 3/2, ये हो गया 3/2, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके 3 × 1 × 1 3 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। अब ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं और इनको जोड़ना है तो इनका लघुत्तम लेना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं हरों को समान करना जरूरी है। तो दोनों का अगर 2 है तो उनका एलसीएम भी 2 ही आएगा और कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं 3 + 3 लिख दूंगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। यहाँ पर 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना हो गया, अगर 2 के टेबल से मैं काटूं तो 3/1, यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो ये तो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड को उठाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड को उठाया। राइट हैंड साइड हमारे पास में 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90। ठीक है ना,
अब यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले तो इंडिकेट करते हैं कि हम कौन से वैल्यू को हटा रहे हैं, तो हम सेक 45 डिग्री को हटा रहे हैं, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है रूट टू, ठीक है। और उसी तरह कोसेक 90 डिग्री की बात करूं तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्लियर हो। अब यहां से आगे चेक करो तो पता लग गया हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को रिमूव करेंगे और उसकी जगह कौन सी वैल्यू उसको रखेंगे। तो सबसे पहले 2 इंटू सेक 45 डिग्री को हटाया, उसकी जगह रख दिया रूट टू, और सेक 45 डिग्री पर स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया माइनस यहीं से, और कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री तो कोसेक 90 की वैल्यू तो है 1 और स्क्वायर आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में इसको ही आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर होता है 2, माइनस आ गया क्वेश्चन से, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इसके और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो यहां पर चेक करो आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 आ रही थी ना, और यहीं से आपने राइट हैंड साइड शुरू किया उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 3, यानी दोनों की वैल्यूज बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यह हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ हैंस प्रूफ, यानी कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन की। नंबर 15 की बात करते हैं, सिद्ध कीजिए, फिर वही सवाल है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू 4/3। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन लिखते वक्त हमें ये पता लग गया था कि यहाँ जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी है उन सभी की वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम हिंट करेंगे कि वो वैल्यूज क्या क्या हैं। तो कोसेक 45 डिग्री की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो होती है रूट टू, ठीक है। सेक 30 डिग्री की बात करें तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। साइन 90 की, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एंड कोस 60 की, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहां पर हमने क्या किया, टेबल की हेल्प से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो क्वेश्चन में दी हुई है उन सभी के वैल्यूज को पुट किया, दिखाया, शो किया, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि हाँ जो ये सवाल कर रहा है उन्हें पता है क्या करना है, और इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होता है। देखो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में नंबर्स लेकर आने की जगह नंबर्स को कमाना सीखें। कैसे, कि हम सामने वाले को स्टार्टिंग में इतना इंप्रेस कर दें कि वो हमारे छोटी मोटी मिस्टेक्स को वैसे ही भूल जाए। तो इस तरह की हिंट वगैरह लिखने से क्या होता है, सामने जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है वो इंप्रेस हो जाता है, उसे पता होता है, उसने फर्स्ट लाइन देखी, उसने वैल्यूज को देखा, उसको पता लग गया कि यार इसने सही वैल्यूज लिखी है, मतलब बच्चा जानता है, और जानता है तो उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। अब यहां से आगे चेक करते हैं, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की बात करते हैं तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू है रूट टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हटा रहा हूँ, उनकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए वैल्यू पर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। अगेन सेक 30 की वैल्यू तो 2/√3, एंड अगेन स्क्वायर, वहां स्क्वायर है, वैल्यू पर भी स्क्वायर आ गया। फिर साइन 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और वहां पर क्यूब है तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वैल्यू पर क्यूब आ गया, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब यहां पर देखो इन सभी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो पहले इनका स्क्वायर खोलो तो रूट टू का स्क्वायर हो गया 2 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 4/3। कैसे, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, इंटू 1 का क्यूब, 1 पर कोई भी पावर हो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है, और 1/2, ठीक है। अब यहां से आकर गॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए, मल्टीप्लाई मार्क लगा दिए, अब डिवाइडेशन देखना है तो डिवाइड कौन कौन सी टर्म्स हो सकती है। तो सबसे पहले चेक करो ये 2 एंड ये 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है 1 × 4 × 1 × 1, और नीचे बच रहा है 3 × 1, ठीक है। अब आपको सिंपल जो मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते 4/3, और 4/3 मल्टीप्लाई करते आ गया तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो आपने शुरू कहां से इससे किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, आपका आंसर कहां मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ हम हैंस प्रूफ। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जिसमें
हमने अभी तक जो सवाल पढ़े थे उनमें वैल्यूज फाइंड करने वाले सवाल पढ़े थे, कोई वेरिएबल यानी एक्स का मान ज्ञात करने वाले सवाल पढ़े थे, और अब ये प्रूव करने वाले सवाल पढ़े हैं। तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, कोई खास भारी नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये सवाल बहुत अच्छे हैं और ये आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इन्हें फास्ट कर सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पोस्ट नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी प्रूव करने वाला ही सवाल है। इसका लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 माइनस साइन 30 इक्वल्स टू टेन 60 प्लस टेन 45 डिग्री अपॉन टेन 60 माइनस टेन 45 डिग्री। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें दोनों ही पक्षों पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ही दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे या लिख रहे थे तभी हमें ये पता लग गया था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही टर्म्स, इन दोनों ही साइड्स को सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। और इनकी वैल्यू हम वैसे ही निकाल लेंगे टेबल से, बिकॉज ऑफ दैट साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो रूट 3/2 होती है, और अगेन साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और यहाँ पर ये दो ही टर्म्स चल रही है, सिर्फ इनके मार्क्स चेंज। तो सबसे पहला काम मैं टर्म्स को रिमूव करूंगा, उनकी वैल्यूज को रखूंगा। तो साइन 60 की जगह तो आ गया रूट 3/2 अगेन प्लस साइन 30 की जगह आ गया 1/2 अपॉन फिर साइन 60 की जगह आ गया रूट 3/2 माइनस साइन 30 की जगह आ गया 1/2 वैल्यूज को पुट किया है। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ऊपर दोनों भिन्न संख्याएं हैं उनको जोड़ने के लिए लघुतम लेना पड़ेगा, दोनों के घर में दो दो हैं तो उनका लघुतम भी दो ही आएगा, और कोई बदलाव नहीं हुआ तो ये रूट 3+1 ही रह जाएगा अपॉन। नीचे की तरफ भी आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों भिन्न संख्याएं हैं, घट रही है, घटाने के लिए हमें इनका लघुतम अंशों को हरों को बराबर करना ही होगा। तो इन दोनों के पास में दो है, दोनों के हर दो है, तो एलसीएम में दो ही हो गया और कोई बदलाव नहीं है, इसलिए √3-1 ही आ गया सीधा सीधा। अब भिन्न संख्या, अब √3+1 नहीं कर सकता, √3-1 नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, ऊपर भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, नीचे भी भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, और भिन्न संख्या कभी भी भाग नहीं लगाती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3+1/2 इंटू 2/√3-1। अब √3+1 को तो मैं नहीं काट सकता, √3-1 से इनके मार्क्स डिफरेंट है, लेकिन ये 2 और 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में इसका आंसर बन रहा है √3+1/√3-1। और इसको मैं सजेस्ट करता हूँ आप यही छोड़ दो, ठीक है ना। यही छोड़ने के बाद में आप इसका राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड में आपको जो टर्म्स दी गई है वो दी गई है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ठीक है ना। और यहां से भी लिखते वक्त ही हमें पता लग गया कि इन दोनों की टर्म्स की जो ही तो टर्म्स है tan 60 tan 45 ये तो आ रही है डिफरेंट मार्क के साथ में, तो इनकी वैल्यू जो है हमारे पास टेबल में अवेलेबल है। tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड tan 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ रिमूव करेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर क्या रखते जाएंगे, उनकी वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो यहां से चेक करो, tan 60 को रिमूव किया उसकी जगह आ गया √3 प्लस tan 45 की जगह आ गया 1 अपॉन tan 60 को अगेन रिमूव किया उसकी जगह आ गया √3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1। तो अब यहां से अगर आप आकर चेक करो, आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था √3+1 अपॉन √3-1, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है √3+1 अपॉन √3-1। तो हम इन दोनों के थ्रू क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर एंड टू, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चेक करते हैं।
17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सिद्ध कीजिए, और उसके साथ आपको उसने क्वेश्चन दे रखा है 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 6। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको एक साइड में न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में आकर सबसे पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ। यही होगी ना लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड से पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन शुरू करता हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू हैं। तो cos 45 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। उसी के बाद बात करूँ tan 60 डिग्री की तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। इसी के आगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात करूँ तो वो है sin 45, sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और अगेन tan 30 की बात करूँ तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल इन वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जगह प्लेस करना है और कैलकुलेट करना है। तो चेक करते हैं, 2 ब्रैकेट cos 45 की जगह में ले आया 1/√2, और वहां पर cos स्क्वायर है तो यहां पर वैल्यू बस भी स्क्वायर आ गया, प्लस tan 60 की जगह में लिया है √3, इसको मैं 1/√3 भी लिख सकता हूँ, और चूंकि वहां पर स्क्वायर है tan स्क्वायर 60, मैंने वैल्यू tan 60 की रखी है तो वहां का स्क्वायर यहाँ इस वैल्यू पर भी आएगा, माइनस 6, फिर अगेन ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 की वैल्यू तो होगी 1/√2 एंड स्क्वायर अपने साथ आ गया, माइनस tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 एंड अगेन वहां पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर टर्म पर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम स्क्वायर करते हैं, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 1 का 1 और √2 का 2, प्लस √3/1 का तो 3/1 हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस 6 ब्रैकेट 1/√2 अगेन 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इसमें भिन्न संख्याओं को जोड़ना है, उनका हर बराबर करना ही पड़ेगा, 2 और 1 का अंतर 2 हो गया, और इस पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, पर इस पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 कर दिया ना आपने, तो आपको अंश को भी 2 गुना बढ़ाना है, तो 3 का कितना हो जाएगा 6 है, 3 × 6 माइनस 6 ब्रैकेट, यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 3, दो इन दोनों भिन्न संख्याओं के हर क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, ठीक है, 2 + 6 हो गया यानी 3 times ग्रेटर हो गया, 3 गुना बढ़ गया, ऊपर वाला भी 3 गुना बढ़ा दूँ तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, उसी तरह 3 का डिवाइड हम 6 में करेंगे तो 2 times यानी 2 गुना बढ़ गया, तो ऊपर वाला भी 2 गुना बढ़ा दूँ यानी 1 × 2 हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे जनरल कैलकुलेट कर लें, तो 2 ब्रैकेट ये हो गया आपका 6 + 1 = 7/2, माइनस 6 ब्रैकेट ये हो गया 3 − 2 यानी कि 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं, यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो देखो रिमेन क्या बचा हुआ मेरे पास, रिमेन यहां बच रहा है सिर्फ 7, और माइनस इसके आगे बच रहा है 1, तो 7 − 1 कितना हो गया 6, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हम क्या ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल ये आ रहा है ना राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारा 9th प्रूफ, यानी हमने इसे प्रूफ कर दिया, ठीक है। प्लीज वीडियो को टू नोट डाउन। नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सिद्ध कीजिए, अगेन वही सवाल है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इतना हार्ड भी नहीं, लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर उसने हमें दिया है 6² 30 प्लस cosec² 45 डिग्री, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर उसने दिया है 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और इक्वल्स में उसने दिया हुआ है 10। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि हमें एक पार्ट में न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है, यानी हमें उसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करते हैं हम उसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई मार्क नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑलवेज मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से ही चर्चा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जिसमें इसने sec² 30 डिग्री cosec² 45 डिग्री cos 60 डिग्री sin 90 और tan 45 जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दे रखी हैं, तो हमें पता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू हमारे पास टेबल में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं इंडिकेट करता हूँ कि मैंने कौन कौन सी वैल्यूज की
कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो sec 30 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो sec 30 डिग्री वैल्यू 2/√3 होती है। उसी तरह cosec 45 डिग्री की बात करूँ, cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। उसी तरह बात करें cos 60 की, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। उसी तरह sin 90 की, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। है ना। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप प्लीज टेबल प्रैक्टिस कीजिए, आप टेबल वैल्यूज को चेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको फिर भी टेबल बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या है आप बुक से देख लेंगे या आपके नोट्स से देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में ना आपके पास बुक होगी ना नोट्स होंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है टेबल बनाना सीखना है, ठीक है। टेबल की प्रैक्टिस की, अब यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में उसने मुझे दिया था sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 की वैल्यू तो 2/√3 होती है, तो sec 30 की जगह तो 2/√3 लिख दिया, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, क्योंकि टर्म पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा। प्लस cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, पर मैं उसे लिख रहा हूँ √2/1। 1 को किसी भी डिजिट के नीचे लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू पुट कर दी। सेकंड ब्रैकेट पे बात करते हैं, 2 ऐसा कैसे आ गया, और cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, प्लस sin 90 की वैल्यू 1, प्लस tan 45 की वैल्यू वो भी 1। यहाँ पर मैंने अभी केवल वैल्यूज को पुट किया है। अब इनको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट में आ जाओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, जनरल सी बात है। प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये भी क्लियर हो गया, ओपन कर दिया। सेकंड ब्रैकेट में बात करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करके 1 कर दूंगा, आगे क्या है प्लस 1 है, फिर आगे क्या है प्लस 1 है, तो ये 1 हो गए। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो 3 एंड 1 की एलसीएम कितनी होती है 3 होती है, 3 एंड 1 की एलसीएम 3 होती है, तो 3 का 3 रहा तो 4 का 4 ही रहेगा, वो सेम है। बट 1 का 3 कर दिया आपने, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अंश को भी 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐड करने पर 3 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे 1+1+1 3 हो गया, अब इसके आगे 4+6 हो गया आपका 10 10/3, और इनटू में आपके पास क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास आंसर क्या बच गया 10, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड। तो हम इनके थ्रू लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे, राइट हैंड साइड पे फिनिश किए, तो इनके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर एंड हैंस टू, ठीक है। वीडियो पोज टू नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रूव करने का क्वेश्चन है, वो कहता है आपको कि सिद्ध कीजिए ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 − sin 45° + sin 30°, सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + cos 45° + cos 60 डिग्री, और इक्वल्स में दिया हुआ 7/4। यहाँ पर भी बहुत अच्छा सा सवाल है और इजी है, क्योंकि वन साइड में न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है, तो हमें तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली तो वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ से चेक करते हैं, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स उसने हमें दी हुई है, सबसे पहले उन टर्म्स को ध्यान से देख लो, उनके साथ दिए हुए एंगल्स को ध्यान से देख लो, ये वैल्यूज हमारे पास टेबल में अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज को शो करेंगे। साइन 45 डिग्री सभी को पता है 1/√2 होता है, उसी तरह साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अगली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात करूँ तो cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और उसी तरह cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो हमारे पास बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले शो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को रिमूव करते हैं, और उसकी जगह क्या लाते हैं उनकी वैल्यूज को, तो 1 − sin 45 की जगह 1/√2 प्लस साइन 30 की जगह 1/2, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट के अंदर 1 + cos 45 की जगह 1/√2, अगेन cos 60 की जगह 1/2, ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को रिमूव कर दिया और उनकी जगह उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसके आगे चेक करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो तीनों भिन्न संख्याएं, इस सेकंड ब्रैकेट में भी तीनों भिन्न संख्याएं, और भिन्न संख्याएं जब भी जुड़ती या घटती हैं
तो उनका लघुतम लेना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले वन रूट टू एंड टू इनका एलसीएम हो जाएगा टू रूट टू, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं वन को डिवाइड किया टू रूट टू में कितना आया टू रूट टू, तो टू रूट टू इंटू वन, वन इंटू टू रूट टू माइनस, अब रूट टू से टू रूट टू को डिवाइड किया तो क्या बचेगा टू बचेगा ना, तो वन इंटू टू प्लस टू से टू रूट टू को डिवाइड किया तो रूट टू बच गया, तो वन इंटू रूट टू। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो सेकंड ब्रैकेट में भी सेम सिचुएशन है, तीन भिन्न संख्याएं हैं और तीनों जुड़ने का काम कर रही हैं, तो इनके हरों को बराबर करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो वन टू एंड रूट टू का एलसीएम हो गया टू रूट टू, ठीक है। अब यहां से चेक करो वन से टू रूट टू को डिवाइड किया तो टू रूट टू आएगा, तो अंश को भी उसी से गुणा करना है, तो ये हो गया वन इंटू टू रूट टू प्लस अगेन सेकंड में रूट टू से रूट टू, रूट टू को डिवाइड किया तो रूट टू से रूट टू तो कट हो जाएगा टू बच गया, तो वन इंटू टू प्लस वन इंटू, अगर मैं देखो टू है टू से टू रूट टू को डिवाइड किया तो टू से टू कट हो गया रूट टू बच गया, तो वन इंटू रूट टू आ जाएगा। आगे यहाँ तो बात समझ में, अब इसके आगे चेक करते हैं, तो इसके आगे है हमारे पास में कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वन इंटू टू रूट टू ये हो गया टू रूट टू, फिर माइनस वन इंटू टू ये हो गया टू, फिर प्लस रूट टू अपॉन टू रूट थ्री, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट ब्रैकेट में उसमें भी ये करेंगे टू रूट टू, यहाँ पर देखो वन इंटू टू रूट टू ये हो गया टू रूट टू प्लस वन इंटू टू ये हो गया आपका टू प्लस वन इंटू रूट टू ये हो गया आपका रूट टू। अब यहां से आकर इस सवाल को थोड़ा ध्यान से करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। यहां पर आकर आप सबसे पहले यहां देखो ये रूट टू टू टाइम्स है पॉजिटिव, ये रूट टू है वन टाइम पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऐड होकर थ्री रूट टू, माइनस क्या बच गया हमारे पास अपॉन में क्या है हमारे पास में टू रूट टू, ठीक है। फिर यहां से आगे चेक करते हैं ये टू रूट टू टू टाइम्स है पॉजिटिव, ये रूट टू है वन टाइम पॉजिटिव, तो ये भी ऐड हो गया क्या हो गया थ्री रूट टू, अगेन क्या बच रहा है प्लस टू, अपॉन में क्या बच रहा है टू रूट टू, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं थ्री रूट टू माइनस टू एंड थ्री रूट टू प्लस टू अपॉन में टू रूट टू इंटू टू रूट टू, तो भी चलेगा, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई मार्क नहीं है, इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई मार्क है। अब मल्टीप्लाई मार्क है तो यहां से चेक करो ऊपर की तरफ सिंपल आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हो गया हमारा थ्री रूट टू का होल स्क्वायर और बी हो गया हमारा टू का स्क्वायर, अपॉन में टू इंटू टू तो हो गया फोर और रूट टू इंटू रूट टू हो गया टू, क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से चेक करते हैं थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, रूट टू का स्क्वायर हो गया टू माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर बाय फोर इंटू टू हो गया आपका एट, यहां तक क्लियर हो गए। अब यहां तक क्लियर होने के बाद में यहां से चेक करो नाइन इंटू टू हो गया एटीन, एटीन माइनस फोर बाय एट हो गया, वैसे एटीन माइनस फोर करोगे कितना आएगा फोर्टीन, फोर्टीन बाय एट, और अब टू से कट कर दो तो ये कितना हो गया सेवन बाय फोर, सेवन बाय फोर हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम क्या किए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए और कहां खत्म किए राइट हैंड साइड पर, तो हम इस सवाल को प्रूव कर दिए, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।